क्या ढूंढ रहा है मेरी फाइल में? बस नेहा, विक्रम, वो मेरी नॉवल की एक ड्राफ्ट लिखी थी, मैंने मिल नहीं रही थी, आई थॉट शायद यहाँ तो नहीं पड़ी है, सो ढूंढने आया था बस उसे ऐसे। तो जहाँ तक मुझे याद है, तू अपने सारे ड्राफ्ट अपने लैपटॉप या आईपैड पे रखता है, पेपर पे तो कभी तो कुछ लिखता ही नहीं ना। या मेरे रूम में क्या ढूंढ रहा था कि चल क्या रहा है रजत? आजकल तू प्रिया के साथ भी इतना वक्त बिता रहा है, श्योरली सेंस समथिंग इज गोइंग ऑन। तू कर क्या रहे हो तुम दोनों? जिस तरह सबने उसे अकेला छोड़ दिया है, आई डोंट थिंक उसके बारे में किसी को फिक्र करने की जरूरत भी है विक्रम। उसका पति राम उसके पास नहीं, उसकी बेटी उससे बात नहीं करना चाहती, उसके दोस्त जो उसके सबसे करीबी थे वो भी उससे कोई रिलेशन नहीं रखना चाहते। विक्रम, ऑल आई एम ट्राइंग टू डू इज के अकेले पन पे कोई गलत कदम ना उठा लेगा। यार विक्रम, जब मैं अपनी नॉवेल्स लिखता हूं ना, उसमें मैं कैरेक्टर्स क्रिएट करता हूं, उनमें फीलिंग्स भरता हूं, उनमें इमोशंस भरता हूं, एंड दे कम अलाइव। कभी कभी सिचुएशंस के हिसाब से वो फीलिंग्स अपने आप बदल जाती, और मैं एज अ राइटर भी कुछ नहीं कर सकता, और असली जिंदगी में भी यही होता है। दो लोग भले एक दूसरे को बेहद प्यार करते हो, चाहे रिलेशन कुछ भी हो, पर एक हादसे की वजह से दे स्टार्ट हेटिंग ईच अदर। वो सारे अच्छे पल, वो मोमेंट्स दे हैव, वो सब बस चले जाते। इट कांट बी हेल्प्ड। इसलिए विक्रम, मैं समझ सकता हूं, यार तुझ पर क्या गुजर रही है। इट्स नो ग्रेटर लॉस फॉर अ फादर देन लूजिंग हिज सन। मैं जानता हूं कि तू राम से नफरत करने लगा है, तू रिवेंज चाहता है, पर इंसानियत की लाइन मत भूल। इस सब में प्रिया ने क्या किया है? सही कह रहा है यार, मेरा गुस्सा तो राम से था ना, प्रिया के साथ हमने ठीक नहीं किया रजत। पर मैं प्रिया से बात करूंगा। मस्ट। और मैं भी तुझसे एक कन्फेशन करना चाहता हूं कि मैं यहां अपनी को राइटिंग ड्राफ्ट नहीं ढूंढने आया था। फिर विक्रम, मुझे पता चला है कि सैमी और सिड के बीच में कोई बिजनेस डील चल रही थी। सिड एंड सैमी? हाँ, और उसी के पेपर्स यहाँ ढूंढने आया था। सैमी सिड के साथ क्यों होगा? रचित, क्या सिड और सैमी की डील को लेके बोल रहा था? कौन से पेपर्स, क्या डील साइन की होगी सैमी ने? कुछ समझ नहीं आ रहा, बट पता तो लगाना ही पड़ेगा। हेलो सर, विक्रम बोल रहा हूँ। सर, मुझे तुझसे मिलना है अर्जेंटली। सर बात सुन। हेलो, ये सिड ने ऐसे फोन क्यों काट दिया? वो मुझसे कुछ छुपा तो नहीं था? आई डोंट हैव अ गुड फीलिंग अबाउट दिस। उसने सैमी को फंसाया तो नहीं? जब तक मैं खुद श्योर ना हो जाऊं, नेहा को कुछ नहीं बताऊंगा। रजत। हाय नेहा, कम सिट। बिजी हो? नहीं यार, मैं तो बस ऐसे ही। आओ बैठो। एक्चुअली आई जस्ट आई वांटेड टू चेक ऑन यू। तुम कंफर्टेबल हो ना हमारे घर में? आई एम सॉरी, पिछले कुछ दिनों में इट्स जस्ट बीन सो क्रेजी कि I haven't been able to look after you. नहीं, I totally understand. जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ है, किसी और के साथ होता तो कोप अप करना बहुत मुश्किल होता। In fact, I really appreciate कितना bravely तुम ये सब कुछ handle कर रही हो। बस मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम एक गलती जरूर कर रही हो। पता नहीं मुझे ये सब तुमसे कहना चाहिए या नहीं, पर दोस्त होने के नाते मुझे लगता है कि एक बारी मुझे तुम्हें बोलना चाहिए। रजत, प्लीज स्टॉप। मैं जानती हूँ तुम राम और प्रिया के बारे में कुछ कहना चाहते हो। प्लीज, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। ओके फाइन, डिस्कस मत करो, पर एक बारी मेरी बात सुन तो लो।
सोच कर देखो मैं क्या कह रहा हूं. यू कैन गिव मी दैट मच. लाइफ में अक्सर रिश्ते गलतियों से नहीं बल्कि गलत फहमियों से टूटते. मुझे ऐसा लग रहा है कि कपूर से तुम्हारे बीच गलत फहमी हुई है जो इस रिश्ते को बिगाड़ रही है. इतनी पुरानी फ्रेंडशिप है यार तुम सब. आई अंडरस्टैंड राम, उसका गुस्सा मैं समझता हूं, सब लोग समझते हैं, लेकिन जब गुस्सा होता है तो एकदम सोडा बॉटल फट. ये मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि भले ही पार्टी में उसने सैमी को डांटा हो, उसे चाहे थप्पड़ मारा हो, लेकिन वो एक पल के लिए भी नहीं भूला कि सैमी पीहू का पति है. ऐसा मत कर यार. मैं क्या कर रही हूँ रजत? जो भी करना था राम ने किया ना. He killed my son. और ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, आई विटनेसेस कह रहे, सारे सबूत कह रहे, जज कह रहा है. सब लोग मुझे क्यों समझाने की कोशिश कर रहे कि राम ऐसा नहीं कर सकता? अरे मुझे पता है वो ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन उसने ऐसा किया. अब तुम जिन अलग अलग एंगल से इस सब को देख पा रहे हो, आई कांट डू इट बिकॉज सैमी मेरा बेटा है, राम ने मेरे बेटे को मारा है. कैसे कह सकती हो यार तुम सबको? कैसे समझाऊं? दिस इज राम एंड प्रिया यू आर टॉकिंग अबाउट यार. मुझसे पहले की दोस्ती है तुम्हारी इन दोनों के साथ. नेहा एक्सप्लेन टू मी, क्या आज तक राम और प्रिया ने कभी सैमी और कुश में कोई डिफरेंस किया? क्या राम ने कभी सैमी को डांटा हो बिना किसी वजह के, उसे ह्यूमिलिएट किया हो, उसे नीचा दिखाया हो फॉर हिज ओन पर्सनल बेनिफिट? ऐसा कोई भी इंसिडेंट? यू नो व्हाई? बिकॉज़ वो दोनों सैमी को अपना बेटा मानते हैं, एंड दैट यू कांट डिनाई दैट. अपने वो होते हैं जो हमें रोने कभी ना दे. जो प्रिया तुम्हारे लिए है, तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त, चाहे कुछ भी हुआ हो, वो दोनों हमेशा तुम दोनों के साथ खड़े हैं. दे've सीन यू थ्रू योर हाइज योर लोज. इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक बारी फिर से सोच लो. इतने सालों का सफर, इतनी सालों की रिलेशनशिप को एक मोमेंट पे ऐसे खोने ना. बाकी जो तुम्हें ठीक लगे वो दैट्स फाइन. I'll see you later. रजत, विक्रम, कैडी, सब प्रिया और राम की तरफदारी कर रहे हैं. क्यों? What am I not seeing? क्या मैं उन्हें गलत समझ रही हूँ? God, I don't know what to do. प्रिया से बात करूं? This is so complicated. You know, मुझे लग रहा है कि शायद मैंने प्रिया के साथ बहुत गलत किया है. तुमने जो समझाया, it's true. इतने सालों में प्रिया और मेरे बीच में तो कभी भी कोई पर्सनल इशू नहीं रहा है. अगर हम लड़े हैं तो सिर्फ बच्चों की वजह से. जब पीहू छोटी थी, स्टबर्न थी, टीनेजर थी, फिर सैमी, लेकिन पर्सनली तो हम दोनों के बीच में कभी कोई इशू नहीं रहा है. तो आई शुड हियर हर आउट राइट? लेकिन उस दिन मैंने पता नहीं क्या क्या कह दिया उसे. मुझे उसके पास जाकर उसे बात करनी चाहिए ना. बट आई होप इट्स नॉट टू लेट. दोस्तों के पास जाने के लिए कभी भी लेट नहीं होता. यू राइट. आई गेस हम लोग अपने बेटे को खोने के दुख में इतने इन्वॉल्व हो गए कि हमने प्रिया का लॉस तो सोचा ही नहीं ना. नहीं, अगर हमने अपना बेटा खोया है तो उसने भी तो अपनी बेटी का पति को खोया है ना. वो अपने पति को खो रही है. मैं जाती हूँ प्रिया के पास. हाँ, वो मैंने सारे रेडी कर लिए हैं. आई जस्ट हैव टू गेट दिस साइन फ्रॉम मिस्टर कपूर एंड देन. हाँ शर्मा जी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ. या ओके. कैसी हो? आई एम सो सॉरी प्रिया. अरे पागल हो क्या? सॉरी. आई एम रियली सॉरी. आई एम सो सॉरी. मैंने पता नहीं तुम्हें क्या क्या कह दिया यार. सॉरी. यू ओके? आई गेस आई एम ओके. यू नो ये जो विक्रम और मैं एक्सपीरियंस कर रहे हैं ना, नथिंग प्रिपेयर्स यू फॉर इट. तो खुद के इमोशंस ना
खुद ही को समझ नहीं आते. लाइक पहला रिएक्शन तो डिनायल, फिर गुस्सा. इतना गुस्सा कि उस दिन मैंने तुम्हें पता नहीं क्या क्या सुना दिया. बट आप रियली कुछ सोच नहीं रहे होते हो. और अब आई नो सैमी इज गॉन, लाइफ हैज टू गो ऑन. बट समझ में नहीं आ रहा कैसे. और क्योंकि पहले इंसान ना एक रीजन चाहता है, व्हाई इज दिस हैपनिंग, किसे ब्लेम करें. एंड राम वाज द इजीएस्ट पर्सन टू ब्लेम बिकॉज उस गधे ने तो थ्रेटन कर दिया था ना मेरे बेटे को. और फिर वो सारे सबूत और ऑल्सो इट वाज इजी टू ब्लेम हिम. बट आई एम सॉरी क्योंकि आई नो राम फैटी, इट्स इम्पॉसिबल वो ऐसा करेगा. एंड विक्रमा में दोनों ही देख ही नहीं पा रहे थे. रजत एक्सप्लेन कर रहा है, कैडी एक्सप्लेन करे, बट हम सुन ही नहीं रहे थे. इट्स ओके नेहा, इट्स रियली ओके. तुम्हारी जगह मैं होती, कोई भी माँ होती, तो हमारे भी यही रिएक्शन होता. बच्चा इट्स ओके. हाउ इज फैटी? तुम प्लीज फिक्र मत करो कि तुम्हारी लड़ाई में तुम अकेली नहीं हो. हम दोनों हैं. ओके, वी हैव नॉट बीन देयर फॉर यू, बट हम मिलकर सारे सबूत ढूंढ लेंगे एंड वी विल गेट हिम आउट ऑफ देयर. बिकॉज सैमी को तो खो दिया, हम फैटी को नहीं खो सकते. अब बचा कौन है? हम चार ही तो है ना. ओके, वी आर देयर फॉर यू. पता नहीं है मुझे अभी कैसे लग रहा है, जैसे मेरा खोया हुआ सपोर्ट सिस्टम मुझे वापस मिल गया. I was so lost. समझ में नहीं आ रहा था कि thanks for being there. Sorry. I'm sorry. तुमको मैं अकेले छोड़ दिया. Promise you never again. मैं मिस्टर कपूर को जाके बताऊंगी ना कि तुम आई, तुमने ये सब का ही. He'll be so relieved. He'll be so happy. We really don't know कि तुम लोगों को कैसे समझाएं. You know, it was really weird. उसको प्लीज कहना, I said sorry. Okay. विक्रम and I are both very sorry. पीहू कैसी है? अभी तक डिनायल में. एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहती है सच को. बात ही नहीं करती है. समझ में नहीं आ रहा क्या सोच रही है. आई रियली डोंट नो मैं कैसे समझाऊं उसे. मैं जाके बात करती हूँ उससे. तुम बहुत स्ट्रांग हो नेहा. नहीं, तुम स्ट्रांग हो इसलिए मैं स्ट्रांग हूँ. पीहू से मिलती हूँ मैं. मम फैमी का है, प्लीज उसे बुलाइए ना. आपको पता है घर में सब क्या बोल रहे हैं कि क्यों मर गया. ऐसा थोड़ी होता है कि गुस्सा हो तो कुछ भी बोलोगे. मम प्लीज उसे बुलाइए, मुझे उससे बात करनी है. सब लोग उसे सुनाने की वजह से गुस्सा. आई डोंट नो क्यों बहुत देर हो गई वो नहीं आया. मम प्लीज उसे बुलाइए, वो आपकी बात सुनता है ना. मम मुझे उससे बात करनी है. मैं नहीं बुला सकती उसे. मैं नहीं बुला. क्यों क्यों नहीं बुला सकते आप? क्योंकि वो मेरी बात भी नहीं मानेगा. वो नहीं मानेगा. वो कैसे आएगा? ही इज नो मोर. क्या बोल रहे हो मम? आप भी बाकी सबके तरह बात करोगे? मुझे पता है उससे गुस्सा और जवानी की वजह से है ना. मैं उसकी वाइफ हूँ, मैंने उसे माफ कर दिया, तो आप लोग क्यों नहीं माफ कर सकते? बेटा वो नहीं आएगा. ठीक है, वो फैमिली कभी कभी सुहानी से मिलेगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैं उसमें गुस्सा नहीं करूंगी. मॉम प्लीज उसे बुला दीजिए. प्लीज ऐसे मत बोलिए. नहीं बुला सकते बेटा. प्लीज एक्सेप्ट कर लीजिए. आपको याद है उसे ढोने लगी थी? इट्स नॉट अ ड्रीम. नहीं, दिस इज नॉट अ ड्रीम. वेक अप पीहू, प्लीज वेक अप. अपनी सैमी को बुलाइए. आप ऐसी बातें मत करिए. सुनो तुम मेरी बात. सुनो तुम. सुनो सुनो, हमारा सैमी अब वापस कभी नहीं आएगा और इस बात को हमें मानना पड़ेगा. प्लीज बेटा, ऐसा ही है. ऐसे मत बोलो. ऐसा ही है. आई एम सॉरी बेटा. आई एम सॉरी, पर सैमी वापस नहीं आएगा. प्लीज कॉल हिम मॉम. आप झूठ बोल रहे हो. प्लीज उसे बुला दो. I don't know.
क्यों कर रही है तू तो अपने साथ ऐसा? मैं जानती हूँ जो हुआ उसे एक्सेप्ट करना आसान नहीं है, लेकिन जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि चाहे कुछ भी हो जाए जिंदगी नहीं रुकती. We must learn how to move on. अच्छा, can you please move on ना? आपको किसने रोका है? लेकिन इस टॉपिक पे मुझे कुछ नहीं सुनना, स्पेशली आपसे. तुझे क्या लगता है? तुझे ऐसे देखना मुझे अच्छा लगता है? तुझे क्यों लगता है ऐसा कि मैं तुझे खुश नहीं देखना चाहती? ऐसा क्या किया है मैंने तेरे साथ जो तुम क्या किया है? इतना सब कुछ होने के बाद इतना इनोसेंटली आप मुझसे पूछ रही है ना कि क्या हुआ है? आप क्यों कर रही है ये सब? सिर्फ इसलिए ना कि आपको सबको ये दिखाना है, सबको ये प्रूव करना है कि आप कितनी अच्छी हैं जो मेरी जैसी बेटी के साथ टॉलरेट कर रही हैं, एंड मैं कितनी बुरी हूँ जो आपको गलत समझ रही हूँ, है ना? मैं क्यों करूँगी ऐसा पीहू? प्लीज, ये सब फेक कंसर्न, झूठा दिखावा, झूठे हंसू, प्लीज ये सब मत करिए. और ना ही मुझसे एक्सपेक्ट करिए कि मैं ये सब कर पाऊंगी. सिर्फ वो बोल सकती हूँ जो सच है, और सच ये है कि आई हेट यू. क्योंकि ये सब जो हो रहा है ना मेरे साथ, ये अकेला पर, ये फेर, इसके लिए सिर्फ आप रिस्पॉन्सिबल हैं. चाहे आप सब कुछ भूल जाए, मॉम आपको कभी माफ नहीं करूँ. तो क्यों इतनी तकलीफ दे रही है खुद को? नहीं माफ करना है मुझे, मत कर. लेकिन डोंट बी सो हार्श ऑन योर सेल्फ पीहू. तुझे पता है मैं भगवान से दिन रात सिर्फ यही प्रार्थना करती रहती हूँ कि अगर मेरी बच्ची पे कोई बुरा वक्त आने वाला है तो वो मुझ पर आ जाए. फिर मेरी बच्ची को कुछ भी ना हो, वो ठीक रहे. तेरी खुशी की खातिर मैं इस घर को मिस्टर कपूर को छोड़कर चली गई, जबकि मैं जानती थी कि सैमी के लिए तेरे मन में जो है वो प्यार से ज़्यादा जिद है तेरी, ऑब्सेशन है तेरा. और सिर्फ तेरे लिए नहीं कहूँगी, सैमी के मन में भी जो सुहानी के लिए था वो भी एक अजीब सा जुनून था. जब भी किसी रिश्ते में ऑब्सेशन, जुनून, पागलपन ये सब आ जाता है तो उस रिश्ते का आई नो ये सही वक्त नहीं है ये सब कहने का, लेकिन मैं इसीलिए नहीं चाहती थी कि तेरी और सैमी की शादी हो, क्योंकि ये सैमी के लिए तेरा ऑब्सेशन, सुहानी के लिए सैमी का ऑब्सेशन, ये सब जो कुछ भी हुआ वो कहीं ना कहीं इसी वजह से हुआ. यू आर सो स्मार्ट. कितनी इंटेलिजेंट है ना आप, कितनी इजीली आपने सारा ब्लेम मेरे ऊपर डाल दिया. ये सब बातें बोल के आप इनडायरेक्टली यही बोलना चाह रही है ना कि सैमी की डेथ के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ? ये मेरी जिद, मेरा ऑब्सेशन, पागल हूँ मैं, मेरी वजह से सैमी मर गया, राइट? फाइन देन, यू ओनली टेल मी ना व्हाट यू वांट मी टू डू. क्या करूँ, कोर्ट जाऊँ, पुलिस स्टेशन जाऊँ, उनको बोलूँ कि मुझे अरेस्ट कर लो, फालतू में आप लोग इतना टाइम वेस्ट कर रहे हो ये सब इन्वेस्टिगेशन में एंड ऑल दैट. मैंने अपने हस्बैंड को मारा है और आई एम द कल्प्रिट, फांसी पे लटका दो मुझे, क्योंकि मेरी मॉम ऐसा चाहती है. हैट्स ऑफ टू यू, क्या अमेजिंग प्लान बनाया ना आपने मुझे अपनी लाइफ से बाहर करने के लिए. यू नो व्हाट, आपने कभी मेरे लिए प्रेयर की हो या नहीं, कभी मेरी खुशी चाही हो या नहीं, लेकिन फिर मुझे पापा के लिए ऐसा करना पड़ा ना. सेकंड थॉट भी नहीं दूं, आई लव हिम अ लॉट, मैं अपनी पूरी लाइफ उनके लिए सैक्रिफाइस कर सकती हूँ, लेकिन आप किसी के लिए भी ऐसा कुछ कर सकते हो? यू आर अ सेल्फ सेंटर्ड वुमन. आप इतने सेल्फिश हो कि आप कभी किसी और के बारे में सोच ही नहीं सकते हो. मैं ऐसा क्या करूं पीहू कि मेरे बारे में तेरी सोच बदल जाए? कभी कभी मुझे लगता है कि मैं तुझे जानती ही नहीं. पता है उस दिन जब तू मेरे गले लग के रोई थी, मुझे लगा था मेरी पीहू मेरी
मेरी बच्ची मुझे वापस मिल गई, और आज आज तेरी बातें सुनकर लग रहा है जैसे जैसे तू मुझे अपनी माँ समझती ही नहीं, जैसे मैंने तुझे फिर से खो दिया हूँ।